वेलकम टू मॉम एंड डॉटर्स। दोस्तों मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल मॉम एंड डॉटर्स में, और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहें। और इधर बहुत दिनों से मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, बस ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग डाल रही थी। आज बहुत स्पेशल है और किचन में है, क्या है आज हमारे मास्टर शेफ यानी आज हमारे पापा, देखिए क्या बना रहे हैं। आज पापा हैं किचन में और पापा बनाएंगे पापा का स्पेशल कटहल की सब्जी। सच में इतनी टेस्टी होती ना, और हम लोग मतलब जब भी हर साल आते हैं तो एक बार पापा के हाथ की सब्जी ज़रूर खाते हैं, और पापा बनाते भी हैं बहुत अच्छे से, और मतलब इतना आराम से भी हो जाता है और इतना टेस्टी होता है ना कि गाइस आप लोग एक बार ट्राई करेंगे ना आपको खुद पता चलेगा कि कितनी टेस्टी सब्जी होती है। तो देखिए पापा तैयारी अपनी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए ये हैं गरम मसाले, इसमें है ये पोस्ता दाना, जीरा, खड़ी काली मिर्च, और ये है गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग। ये सारे गरम मसाले हो गए। ये कटहल कट के रखा हुआ है, और ये उसमें पड़ेगा प्याज। प्याज बिल्कुल पीसा नहीं जाएगा, ऐसे खड़ा रहेगा ना पापा? हाँ, प्याज खड़ा रहेगा। और ये देखिए खड़ी लाल मिर्च है, और तेज पत्ता है, लहसुन है, अदरक है, और एक टमाटर। टमाटर ज़्यादा नहीं डालना है, एक ही डालेंगे। मम्मी तो कहती वो भी नहीं डालो, पर ये पापा को अच्छा लगता है, पापा ने कहा एक टमाटर डालो। हाँ, और पता है ये मतलब इसको फ्राई नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं तला जाएगा। और पापा की सारी तैयारी देखिए, हल्दी रख लिया है, नमक रख लिया है, और ये है गरम मसाला। तो सारी तैयारी हो गई है, अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी बैक कैमरे से कि पापा कैसे कैसे बनाते हैं, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत बार ट्राई मैंने भी किया है कि मैं पापा जैसा बनाऊं, पर वो टेस्ट नहीं आता। पापा रुकिए मैं पीस दे रही हूँ, आप छोड़ दीजिए, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पापा रख दीजिए यहीं पर। ये देखिए इसमें ना पहले नीचे एक लेयर प्याज बिछा दी गई है, और उसके ऊपर पड़ेगा कटहल। इसको बिल्कुल कुछ फ्राई नहीं करना, देखिए गैस पे रख के नहीं किया गया, स्लैब पे रख करके ही ऐसे सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी। और उसके ऊपर फिर देखिए प्याज की एक लेयर बिछा दी जा रही है, और लहसुन भी बहुत बारीक नहीं चॉप किए गए, सब कुछ बिल्कुल रफली ऐसे काट दिया गया है। तो सोचिए एक कटहल तो पर हेल्दी बहुत होता है, ऑयल बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ऑयली सब्ज़ी नहीं बनती है ये, तो टेस्ट भी है और हेल्थ भी है। तेज पत्ता भी देखिए ऐसे बस तोड़ के पापा डाल दे रहे हैं, और खड़ी लाल मिर्च सूखी वाली डालनी है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम लोग तीखा पसंद करते हैं चटपटा, तो 7-8 पापड़ डाल रहे हैं लाल मिर्च। और हाँ बच्चे मतलब कटहल नहीं इतना करते हैं, तो आलू भी 2 आलू मम्मी ने काट दिए हैं, वो भी इसमें ही डाल देंगे। और आपको देखने से लगेगा कि मतलब सब बिल्कुल बॉइल्ड सब्जी लगेगी, नहीं बहुत टेस्टी होती, सच बता रहे। आप मेरा कहना मान के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगती। और पता है ऐसे कटहल की सब्जी ना बनती है हमारे यहाँ, एक यहाँ पे मंदिर है तरकुलहा मंदिर, वहाँ भी वहाँ पे तो हांडी में मतलब वो मटकी जो होती है ना उसमें बनती है, और लोग चूल्हे पे बनाते हैं ऐसे ही सब कुछ डाल वाल करके ऐसे चढ़ा देते हैं, और वहाँ जो भी बनाओ वो इतना टेस्टी बनता है। तो बस देखिए सब कुछ पड़ गया है, इसमें आलू पड़ गया, इसमें टमाटर डाल देंगे, कोई मसाला मिक्स नहीं करेंगे, बस ऊपर से हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे। पापा कितने मन से बनाते। ये देखिए पूरा ये सूखा गरम मसाला जो मैंने अभी पीसा था ना सिलबट्टे पे, वो डाल दिया, और ये थोड़ा सा ऐसे गरम मसाला डाल दिया।
ये है मेरा किचन, किचन के स्टाफ। अब ये पड़ गया ना बाप, थोड़ा पानी भी डालेंगे ना पापा, पानी छोटा छोटा डालना ही पड़ेगा। बस ये देखिए सब कुछ मिल गया, और ऊपर से हल्का सा तेल और डाल देंगे। ये नीचे थोड़ा सा तेल डाला था, ऊपर से और थोड़ा सा डाल दिया है, और इसको अच्छे से मतलब वो कर लेंगे, टॉस कर लेंगे बढ़िया से। बस ये पूरी सब्जी बस तैयार है, बस इसका ढक्कन लगाओ और गैस पे चढ़ा दो। ये देखिए बस हो गया। अब इसका लगाना है ढक्कन, ढक्कन में लगा दे रही पापा। और कुछ तो पड़ेगा, अच्छा थोड़ा सा पानी भी पड़ेगा ना। पानी डाल दीजिए, पानी कितना डालेंगे पापा? अरे थोड़ा अंदाज से, ताकि लटपटा हो जाएगा ना। पानी बस थोड़ा सा अंदाज से डाल देंगे, सब्जी बस ऐसे लटपटी सी बन जाए। बाकी तो प्याज में गल ही जाएगा। हाँ बाकी तो प्याज ऑलरेडी इतना पानी छोड़ेगा ना कि सब्जी उसमें गल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वो रहे। बस इसका टेस्ट ना बिल्कुल मतलब बहुत अलग आता है, जैसे जनरली हम जो सब्जी बनाते हैं, मसाले फ्राई करते हैं, वो बस बिल्कुल उससे एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी, मेरे पापा की रेसिपी है ये। और देखिए शुभी उठ के आ गई है, शुभी देख रही हैं कि नाना खाना बना रहे हैं। नाना पूरा ये देखिए आ गई शुभी, नाना पूरा खाना नहीं बना रहे बेटा, बस नाना सब्जी बनाएंगे, बाकी हम बना देंगे। पर इसमें आलू पड़ा है, थोड़ा सा ट्राई करना, देखना नाना कितना यम्मी सब्जी बनाते हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सब्ज़ी, और बन जाती है फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कैसी बनती है, मतलब कैसी बनी है। दोस्तों दो तीन दिन मौसम बहुत बढ़ गया था, और पर कल से फिर से बहुत गर्मी, एकदम मतलब गंदी वाली गर्मी हो रही है, बहुत चिड़चिड़ी मच रही है। रात में पता है हम लोग गर्मी की वजह से, पहले तो हम लोग कल रात में मूवी देख रहे थे RRR, उसकी छोटी सी क्लिप मैं इसमें ऐड करूँगी, आप देखिएगा शुभी और वान्या और मेरी छोटी, मतलब उन लोगों की मौसी ने कितनी मस्ती करी। हालांकि सॉन्ग है तो मुझे लग रहा था कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, तो मैं उसको म्यूट कर दूँगी, पर RRR का ही सॉन्ग है, वो नाचो नाचो वाला सॉन्ग जो होता है वो है, तो मैं उसकी क्लिप डाल दूँगी। और बस आजकल दो दिन मैं नहीं कोई ब्लॉग बना पाई, क्योंकि शुभी की तबीयत ख़राब थी पहले तो, शुभी को वॉमिटिंग और लूज़ मोशन होने लगे थे, और अभी देखिए ना कितनी तेज़ धूप सी लग रही है बाहर, हालांकि अभी अरे वाह हल्का सा बादल आ गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मम्मी, मम्मी कपड़े लेके छत पे जा रही हैं डालने, और कह रही हैं हमसे बाल्टी लेकर छत पर आओ, तो मैं जा रही हूँ मम्मी की हेल्प करने कपड़े लेके छत पे। मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ, मम्मी ने कहा तुम अपना रूटीन मत ख़राब करो, काम आगे पीछे होता रहेगा, गर्मियाँ बहुत। आज देखी मैंने सिंदूर पूरा कैसे हो गया ना। लो चली मैं कपड़े की बाल्टी लेके, लो चली मैं। और शुभी को फ़ोन चाहिए, शुभी को देखना है कि नाना ने सब्ज़ी कैसे कैसे बनाई है। तो दोस्तों मैं ये कपड़े छत पे चलाऊँ, वहीं छत पे काफ़ी मैं तुम्हें दे दूँगा, आ जा बेटा। तो आपको मैं अपना छत भी दिखाती हूँ, आइए। अभी घर का व्यू नहीं दिखाया क्योंकि मॉर्निंग वॉर्निंग का टाइम है, और घर अभी काफ़ी मैसी पड़ा हुआ है। शुभी वान्या जैसे वहाँ फैलाती हैं वैसे यहाँ भी फैलाती हैं, और अभी तो दो ही बच्चे हैं तो इतना वो है,
और दो अगर और आ गए होते मतलब मुझे तो अनाया तो घर का तो क्या ही हाल होता। पिछले साल हम लोग पूरा दिन कैसे निकल जाता था, हम लोगों को पता नहीं चलता था, कहीं नहीं आए कहीं नहीं गए, फिर भी पूरा टाइम हम लोग का निकल गया। देखिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है। ये सब ये देखिए ये सब कंटेन, ये हमारा बड़ा बक्सा है, उस पर जो काम हुआ था जो लकड़ियाँ वगैरह बच जाती ना, और ये सब चावल गेहूँ जो गांव से आते हैं, हम लोग का मतलब गांव से रिलेटेड है और अभी भी खेती होती है, चावल गेहूँ ये सब वहीं से आ जाता है। देखिए छत पे बहुत ज़्यादा धूप है, आइए मैं आपको अपना छत दिखाती हूँ। ये देखिए कितना, अपराजिता की मम्मी ने बहुत सारे गमले लगाए हैं और बिल्कुल मम्मी के शौक और मेरे शौक लगभग मिलते हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये देख रहे हैं, वाओ पर्पल हार्ट मम्मी ने यहाँ रख दिया। ये देखिए गुलाब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बेला, ये शुभी आ गई। शुभी को सुबह सुबह फोन चाहिए होता है। कल देखिए मैंने ये एक प्लांट था जो छोटे गमले में था, मैंने इसको बड़े गमले में ट्रांसफर कर दिया। और इधर भी बहुत सारे पेड़ हैं, धूप कहाँ है बउआ। और पता है मम्मी खाद भी खुद बनाती हैं, जो किचन वेस्ट होता है ना उन सब चीज़ों से। ये देखिए हमारे नीम का पेड़ एक लगाया है, आई होप आप लोग को सब दिख रहा होगा। ये है नींबू, ये देसी नींबू है और ये हाइब्रिड नींबू है। इसमें पता नहीं इस बार फूल क्यों नहीं आए हैं। ये गुड़हल छोटा वाला है, ये है अरवी की पत्तियाँ। देखिए ये कूलर का ना जो नीचे का वो होता है, देखिए उसमें मम्मी ने बना लिया है। और ये अजवाइन और इसमें ये लगाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों आज तो आप लोगों ने मेरा छत देखा और फिर नीचे का भी एक दिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर अभी सुबह सुबह बहुत मैसी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं फिर किसी और दिन दिखाऊंगी। और शुभी को देखिए, शुभी की तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो शुभी का थोड़ा थोड़ा सा मन उदास सा है। और करनी है आपसे बहुत सारी बातें, पर सब्ज़ी हो जाए तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सब्ज़ी कैसी बनी है। तब तक मैं थोड़ी देर शुभी को फ़ोन दे देती हूँ, वरना एक तो तबीयत नहीं सही है ना तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों आज मम्मी ने ना मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, और मम्मी ऐसे भी कपड़े जो है वो दो चार दिन में मशीन लगा कर बेडशीट वगैरह हमेशा चेंज कर देती हैं। वो सफाई मतलब बहुत उनको पसंद है, बेडशीट हर दूसरे तीसरे चेंज होनी चाहिए और हर सैटरडे पूरे घर के जाले साफ़ होने चाहिए, ये शुरू से नियम है मम्मी का। तो बस आज सैटरडे था तो मम्मी ने बेडशीट सारी देखी धुली है, सारे जो हैं पिलो कवर्स धुले हैं और बाकी जो कपड़े थे पापा के और वैसे जो कपड़े थे वो सारे धुले हैं। तो बस वही छत पे मैं और मम्मी आए थे फटाफट सारे कपड़े डालने, तो धूप थी चुकी तो मम्मी परेशान हो जाती, इसलिए मम्मी ने कहा तुम भी चलो। तो बस मैं आई मम्मी के साथ, ये सारे कपड़े मम्मी के साथ मैंने डलवाए और उसके बाद तब फिर नीचे जाके, अभी मुझे जीरा राइस बनाना तो मैं नीचे चल के बनाती हूँ जीरा राइस। देखिए नाना की सब्जी का कुकर, ये भी बज रहा है तो जब सब्जी बन, देखो 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 दिखा दी, उसकी मेहर बहुत अच्छी है, गल तो गया है, देखो छोटे तो सब्जी तो रेडी हो गई है ना नाना। टेस्ट करने जा रही है छोटी, ये हमारी अगर इसमें पानी कम लगे या बहुत सूखी लगे, पूरी पराठा रोटी के साथ खाना है तो ऐसे भी अच्छा है, अगर आपको राइस के साथ लेना है, चावल के साथ खाना है तो आप थोड़ा सा चाहें तो इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं।
मुझे भी तो दिखाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। देखो और ये देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ, बढ़िया बढ़िया सब्जी। रोटी खा के बताओ कैसा बना है। मम्मी आपने रोटियाँ सेक रही हैं, बताओ कैसी है सब्जी। ओहो मौसी को अच्छी लगी है, मैंने तो खाई नहीं। और ये देखिए हम सब लोग खा रहे हैं खाना। शुभी कैसी सब्जी लगी? मान्या वास्तव में बहुत 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 टेस्टी सब्जी बनी है। मैं मम्मी पापा तो आइए आप लोग भी खाना एंजॉय कीजिए। दोस्तों कल का आउट्रो फिर मैं शूट करना भूल गई थी, तो बस आज मॉर्निंग में कर रही हूँ। कल ना एक्चुअली हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर मुझे अपना और शुभी का चश्मा बनने को देना था क्योंकि दोनों का पावर बढ़ गया है, तो वो देने चले गए। उसके बाद आए तो धूप से आए, फिर रेस्ट करने लगे, फिर शाम को शनि मंदिर जाना था और चश्मा लेने भी वापस जाना था, तो बस ये सब करते रह गए तो दिमाग से स्लिप हो गया। तो वो आउट्रो मैं अभी सुबह मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। और तो बस आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। पापा मतलब बहुत रफली बनाते हैं, पर वो पता नहीं उसका टेस्ट क्यों इतना अच्छा आता है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, यहाँ तक कि बच्चों को बहुत पसंद आया है। शुभी वान्या जबकि नहीं खाती है कटहल की सब्ज़ी, तो शुभी ने तो बहुत ज़रा सा लिया क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही थी, वान्या ने भी खा लिया था। तो बस आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो और ढेर सारे लाइक्स कर दिया करो यारो। तो बस आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा, और हो सके तो चिड़ियों के पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना थोड़ा सा पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, और अपना खूब ध्यान रखिए, खूब सारा पानी खुद भी पीजिए क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, बाय बाय।